दोस्तों, नन शॉर्ट पॉलिसी को लेकर बहुत से लोगों के माइंड में काफी ज्यादा डाउट्स हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बना रहे हो या फिर आपकी शॉर्ट वीडियो में नन शॉर्ट पॉलिसी आ गया है तो बहुत से लोगों के माइंड में काफी ज्यादा डाउट हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर दो वीडियोस बना रखी, जिसमें एक में मैंने बताया कि नन शॉर्ट पॉलिसी क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आता है और क्या होता है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि नन शॉर्ट पॉलिसी पूरी तरह से कैसे हटाए। हालांकि वो दोनों वीडियो पॉपुलर है, अगर आप सर्च करोगे तो वो वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आपकी शॉर्ट वीडियोस में कभी भी नन शॉर्ट पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। देखिए दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जितनी भी शॉर्ट वीडियोस हैं उनमें नन शॉर्ट पॉलिसी ना आए, तो आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उनको आपको डेफिनेटली करना है। अगर ये तरीका आप नहीं अपनाओगे तो आपकी किसी ना किसी वीडियो में नन शॉर्ट पॉलिसी आ जाएगा। देखिए, जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूट्यूब पर सर्च करते हुए कोई ऐसा म्यूजिक मिल जाता है, कोई ऐसा साउंड मिल जाता है जो आपको अच्छा लगता है और उसके ऊपर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी है, आप क्या करते हो, यूट्यूब की वीडियो वो डाउनलोड कर लेते हो, किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट से उस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो और आप जाकर अपने एक्सटर्नल ऐप पर, कोई भी आपका काइन मास्टर हुआ, वीएन हुआ या इनशॉट हुआ, जो भी आप एडिटिंग एप्लीकेशन यूज करो, उसमें जाकर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हो, मतलब जो आपकी शॉर्ट वीडियो है रियल, उसके साथ में उस म्यूजिक को थोड़ा बहुत एडिट करके जब आप अपलोड करते हो तो वहां पर आपको नन शॉर्ट पॉलिसी देखने को मिलता है। या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह के म्यूजिक, इंस्टाग्राम की वीडियोस जब आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो तब आपको नन शॉर्ट पॉलिसी देखने को मिलता है। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये गलती कभी भी मत करना। आपको जब भी शॉर्ट वीडियोस बनानी है तो जो YouTube का एड साउंड आता है, आपने देखा होगा जब आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करोगे कैमरा आ जाता है आपका, ऊपर से एड साउंड आता है, तो वहां से आपको म्यूजिक लेनी है। आपको जो भी हिंदी सॉन्ग, तमिल सॉन्ग, बंगाली सॉन्ग, वॉट एवर जो भी सॉन्ग्स आपको चाहिए, आपको एड साउंड में जो म्यूजिक मिल रहा है वहीं से आपको एड करना चाहिए। इसके बावजूद अगर आप शॉर्ट वीडियो किसी की भी शॉर्ट वीडियो को रिमिक्स करते हो वहां पर, तब भी आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओवरऑल आप YouTube एप्लीकेशन में ही जो भी चीजें कर रहे हो, चाहे वो रिमिक्स करके करो, चाहे साउंड को ऐड करो, तब आपके शॉर्ट वीडियोस में नन शॉर्ट पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हो, चाहे किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन का म्यूजिक यूज करते हो, कहीं से भी यूज करते हो, या फिर आपने कोई भी म्यूजिक यूज कर लिया, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐड साउंड में जो म्यूजिक होता है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जैसे कि कोई गाना सर्च कर लिया, कोई भी सपोज गाना सर्च करते हैं जो एड साउंड में मिलता है, और वही गाना दोबारा से यूट्यूब पर सर्च करते हैं, देन आकर अपने एडिटिंग एप्लीकेशन से उसको मिक्स कर लेते हैं, देन अपलोड करते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एड साउंड में सॉन्ग्स मिल रहे हैं वो पार्टनर प्रोग्राम से मोनिटाइज किए गए हैं और उनके बदले यूट्यूब उनको रुपए दे रहा है, इसलिए वहां से आप म्यूजिक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वही सॉन्ग आप बाहर से डाउनलोड करोगे, देन एडिटिंग एप्लीकेशन पर उसको मिक्स करोगे, तो यूट्यूब ये नहीं क्लियर कर पाता, ये नहीं जान पाता कि जो आप सॉन्ग यूज कर रहे हो वो हमारे पार्टनर प्रोग्राम का है या फिर नहीं, क्योंकि वो एक एल्गोरिदम है, तो आपको सारे सॉन्ग्स वहीं यूज करने चाहिए। अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो नन शॉर्ट पॉलिसी आपके शॉर्ट वीडियोस पर नहीं देखने को मिलेगा, कभी नहीं। इस तरह से काम करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, उस वीडियो के रुपए भी मिलेंगे और आपकी व्यूज भी काउंट होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर नन शॉर्ट पॉलिसी आ गया है और आपको नहीं पता है ज्यादा कि क्या होता है, तो यहां पर दोनों वीडियो में लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि नन शॉर्ट पॉलिसी होता क्या है और वो परमानेंटली आपके चैनल से कैसे जाएगी, दोनों की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ये वीडियो अगर आपको ज्यादा यूजफुल लगी हो और आपको ये क्लियर पता चल गया होगा कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारे चैनल पर नन शॉर्ट पॉलिसी ना आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये तरीका अपनाइए, देखिए डेफिनेटली आपके चैनल पर कोई भी नन शॉर्ट पॉलिसी नहीं आएगा, वीडियो पर कोई भी नन शॉर्ट पॉलिसी यार नहीं आएगा। वीडियो यार काफी ज्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।